मित्रों जय माता दी, कैसे हैं आप सब ये बताने के लिए कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। माता रानी आप सभी का कल्याण करेंगी। मित्रों श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी मनाई जाती है। इस दिन नाग देवता की पूजा करने का विधान है। नाग पंचमी के पर्व को विशेष माना गया है क्योंकि श्रावण मास का महीना भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय है। इसलिए नाग पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ के साथ भगवान नाग देव की पूजा की जाती है। मान्यता है कि नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करने से जीवन में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। जिस किसी की जन्म कुंडली में नाग सर्प दोष है वो लोग नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करके काल सर्प दोष से मुक्त हो सकते हैं। हिंदू धर्म में नाग पंचमी के पर्व को विशेष माना गया है। इस दिन नाग देवता की विधि पूर्वक पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, भय से मुक्ति मिलती है। नाग पंचमी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर घर की साफ सफाई करके स्नान कर लें। इसके बाद घर के दरवाजे पर या पूजा स्थल पर गाय के गोबर या पवित्र मिट्टी से नाग बनाएं और बनाए गए नाग की प्रतिमा पर जल फूल और चंदन का अर्घ दें। एक कथा के अनुसार किसी राज्य में एक किसान परिवार रहता था। किसान के दो पुत्र व एक पुत्री थी। एक दिन हल जोतते समय हल से नाग के तीन बच्चे कुचलकर मर गए। नागिन पहले तो विलाप करती रही, फिर उसने अपनी संतान के हत्यारे से बदला लेने का संकल्प किया। रात्रि के अंधकार में नागिन ने किसान, उनकी पत्नी व दोनों लड़कों को डस लिया। अगले दिन प्रातःकाल किसान की पुत्री को डसने के उद्देश्य से नागिन फिर चली तो किसान कन्या ने उसके सामने दूध का भरा कटोरा रख दिया। हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगी। नागिन ने प्रसन्न होकर उनके माता पिता व दोनों भाइयों को पुनः जीवित कर दिया। उस दिन श्रावण शुक्ल पंचमी थी। तब से लेकर आज तक नागों के कोप से बचने के लिए इस दिन नागों की पूजा की जाती है।